नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। हम मंदिर में हैं, आप देख सकते हैं, और गणपति जी आपके पास आए हैं। इसलिए आए हैं कि आप समझ सकें कि गणेश चतुर्थी पर करना क्या है। क्या गणपति जी को घर में बुलाने से वाकई आपके विघ्न दूर होते हैं? इस चीज का तो मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं ये कहूँगी, आप एक दिन, डेढ़ दिन, ढाई दिन, जितने भी दिन या पूरी गणेश चतुर्थी के लिए अगर गणपति जी को रखते हैं तो बहुत अच्छा है। और ना अगर आप सवा दिन के लिए भी रखते हैं तो आपके घर के कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी मुश्किलें वो लेकर जाते हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। तो एक बार, जैसे हमेशा कहती हूँ, रख कर देखें, ट्राई करें। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, गणेश चतुर्थी से जुड़ी भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कीजिए। जहाँ पर जितनी सफाई होती है ईश्वर का उतना ही मन लगता है। साफ सफाई कर नहा धोकर अपने घर में एक आसन बिछाएं। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में गणपति जी को रख सकते हैं। आसन बिछाने के बाद फूलों का बेड बनाएं, जैसे आपके घर खुद ईश्वर आ रहे हैं, और यकीन मानिए आप वैसा ही महसूस करेंगे। फूलों का आसन बिछाएं और एक कलश के ऊपर कपड़ा रख के कलश को बांध दें। उसके अंदर गंगा जल भरें और साथ में गणपति जी को स्थापित करें। पांच तरीके के मेवे, ड्राई फ्रूट, पांच तरीके के फ्रूट धूप बत्ती के साथ गणपति जी को आप अपने यहाँ पर बिठाएं, उन्हें बुलाएं। और क्या है सही विधि, अब आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप दीप जलाएं। दीप जलाकर फिर आपने जहाँ पे गणपति जी को स्थापित करना है वहाँ पर जल छिड़के वहाँ की शुद्धि करें। उसके बाद आप फूलों का आसन बिछाएं, गणपति जी को लाएं, गणपति जी को वहाँ पे स्थापित करें। फिर गणपति जी की मूर्ति को दूर्वा के साथ आप अच्छे से स्नान कराएं, गणपति जी को बुलाएं, उनका आवाहन करें, उनका प्रतिष्ठान करें, उनको बुलाकर उनको वस्त्र चढ़ाएं। फिर जैसे जैसे आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले जगह साफ करेंगे, उसके बैठने के लिए जैसे स्नान कराएं, गणपति जी को बुलाएं, उनका आवाहन करें, उनका प्रतिष्ठान करें, उनको बुलाकर उनको वस्त्र चढ़ाएं। फिर जैसे जैसे आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले जगह साफ करेंगे, उसके बैठने के लिए जगह बनाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको बोलेंगे आप फ्रेश होइए। उसी तरीके से आपको गणपति जी को भी करना है, उनको दूर्वा से स्नान कराकर उनको वस्त्र भेंट करने हैं, धूप दीप जलाना है, फिर उनके आगे खाने पीने के सामान रखने हैं, आरती करनी है। जब गणेश जी को आपको बुलाना है तो आपको महसूस करना है, ये एनर्जी फील करनी है कि एनर्जी उनके अंदर आकर उनके स्टैचू के अंदर आ गई। फिर इसके बाद आपने उनकी उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। ये सारा इस तरीके से करें जिसे वाकई ईश्वर आपके घर आए हैं तो आप कैसे करें। गणपति जी को सिंदूर जरूर चढ़ाया करें। गणपति जी हमारे मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। अगर आप गणपति जी को प्रसन्न करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, यकीन मानिए आपकी जिंदगी से इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, पैसे की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें दूर चली जाएंगी। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फूल मतलब कि हम सेंसिटिविटी से आपको अर्पित हैं, खुशबू। साथ साथ गणपति जी को फल चढ़ाएं कि हमारी कर्मों का जो लेखा जोखा है ये आपको समर्पित है। इसके बाद गणपति जी को आप जब दूर्वा चढ़ाते हैं तो ध्यान रहे पांच दूर्वा उनके मस्तिष्क पर रखें। गणेश जी को जब दूर्वा चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें, इदं दूर्वा दलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को कुछ शमी के पत्ते, शमी के जो पत्ते होते हैं वो भेंट करें, और आपको ऐसा लगेगा जैसे एक समय में यू एनर्जी बदल गई जगह की, जैसे गणपति जी खुद आकर घर में बैठ गए। गणपति जी को गीला कर चावल चढ़ाएं, सूखे चावल नहीं चढ़ाने, उबले हुए चावल भी नहीं चढ़ाने। जब चावल चढ़ानी है तो बोलना है इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। इसके साथ साथ गणपति जी को सुगंध बहुत पसंद है, धूप दीप जरूर जलाएं, मतलब जब तक वो घर में है कोशिश करें जला कर रखें। फूल फल तो जैसे मैंने आपको कहा ही, साथ में लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक उनके फेवरेट है, यानी कि कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग मोदक का सिंबॉलिक है। इसके बाद आप गणपति जी को दक्षिणा, मतलब
पैसे चढ़ाएं, कैश चढ़ाएं, ताकि वो पैसे बाद में आप किसी जरूरतमंद को दे सकें। गणपति जी की आरती जरूर करें। गणपति जी के सामने बैठकर जितना हो सके ओम गण गणपते नमः का जाप करें। आप ये भी कह सकते हैं जय गणेश काटो गणेश, इससे भी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी खत्म होती है। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है और गणपति जी आ गए आपके घर में। जब आप गणपति जी को अपने घर में बुलाएं तो दो बातों का ध्यान रखें। एक, दूर्वा कभी भी उनके पैरों में नहीं चढ़ानी चाहिए, और दूसरा, कच्चे चावल गणपति जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। और अगर आप गणपति जी की बहुत श्रद्धा के साथ उनको घर में बुलाते हैं तो आप अपने आप में, अपनी लाइफ में एक चेंजिंग एक्सपीरियंस महसूस करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में गणपति जी को लाएं तो किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ये बात देखनी है कि जो गणपति जी आप घर में ला रहे हैं, चाहे आप इतने से गणपति जी क्यों ना लाएं, चाहे आप सवा दिन या डेढ़ दिन के लिए गणपति जी को क्यों ना रखें, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर गणपति जी जरूर लाएं। वो आकर आपके घर की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियां, सारे स्ट्रगल को अब्सॉर्ब कर लेकर जाते हैं। गणपति जी को घर में लाएं और लाते समय ध्यान रहे कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ हो, दाईं तरफ सूंड वाले गणपति जी नहीं लाएं, क्योंकि एक तो वो एग्रेसिव होते हैं और दूसरे उनकी सेवा बहुत करनी पड़ती है। तो बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी को लाएं, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप घर में गणपति जी लाते हैं और उनको किसी कमरे में रख दिया तो ऐसी जगह पे ना रखें जहां पर उनकी पीठ दूसरे कमरे की तरफ करती हो। आपको वो कोना घर का चूज करना है जहां उनकी पीठ सीधा आउटसाइड ऑफ द होम को फेस करती है, क्योंकि गणपति जी की पीठ अगर आपकी तरफ है, किसी और की तरफ है, तो इससे घर में वो साइड नेगेटिव होती है। ऐसा कहा गया शास्त्र में कि गणपति जी की पीठ में दृढ़ता का वास होता है, तो इसलिए उनकी पीठ आपके किसी कमरे में ना पड़े, इसका ध्यान दें। ऐसे रखें कि वो कॉर्नर ऑफ दी होम में आए। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान देना है कि गणपति जी को जब घर में लाएं, कभी भी साउथ डायरेक्शन में स्थापित ना करें। साउथ उनकी डायरेक्शन नहीं है, उधर उनको नहीं स्थापित करें। आप गणपति जी को नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन अवॉइड करें गणपति जी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक या दो दिन की मेहनत इतना रंग लाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी इंश्योरेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि करती हूँ, जानती हूँ उस चमत्कार से, हर बार हर साल रूबरू होती हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रख सके तो जरूर रखें, रख कर देखें। और मैं क्या करती हूँ आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। जैसे गणपति जी रखे तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखकर गणपति जी के नीचे रख दीजिए। जब आप विसर्जन करने जाते हैं, चाहे एक दिन बाद या लास्ट डे बाद, तो आप विसर्जन में वो प्रॉब्लम भी गणपति जी के साथ डाल देंगे, तो यकीन मानिए कि वो चीज कभी मुड़कर जिंदगी में आएगी ही नहीं। इतनी ताकत, इतनी श्रद्धा के साथ जब आप अपने घर गणपति जी को बुलाएंगे तो वो आपके घर में कभी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। ट्राई कर देखिए। आपको सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कथा गणपति जी के बारे में। बच्चों को साथ लेकर बैठे हूँ, गणपति जी को जो कथा सुनवा रही हूँ वो सुनवाएं। गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जो है कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हमें ऐसे बुद्धिमान की तलाश करनी चाहिए जो सारे कष्टों को दूर कर सके, धन धान्य को बढ़ाने वाला हो, विद्या को बढ़ाने वाला हो, रोग को मिटाने वाला हो, एवं सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने में जिसमें क्षमता हो। ऐसा कौन कर सकता है? जो बुद्धिमान हो वही कर सकता है। तो उनके दो पुत्र हैं, बड़े हैं कार्तिकेय जी और छोटे हैं गणेश जी। तो दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लोग इस संसार में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसका ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। ऐसा सुनते ही जो है कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पे बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी वहीं पे बैठे। अब जब कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की आधी परिक्रमा कर दी तो माँ पार्वती को चिंता हो गई कि देखो
मेरे भोले वाले गणेश जी अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, इनका वाहन भी आराम से चलने वाला है। तो जब माँ पार्वती को चिंता हुई तो वो गणेश जी के पास आई और कहने लगी कि पुत्र देखो मुझे बड़ी चिंता हो गई, तुम्हारे बड़े भाई ने आदि परिक्रमा कर दी और तुम यहीं पर बैठे हुए हो। अब गणेश जी ने सोचा कि माँ मेरे प्रति जो है चिंता व्यक्त कर रही है, माँ के मन को ठेस पहुंच रही है, माँ को जो दुख नहीं देना चाहिए, इसलिए एकदम उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहने लगे कि देखो माँ आपने तो सिर्फ मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा था, मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा कर दी, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। तो माँ पार्वती कहने लगे कि देखो पुत्र अभी तुमने मेरा एक चक्कर लगाया नहीं, और कहने लगे कि तीनों लोकों की परिक्रमा कर दी। तो गणेश जी कहने लगे कि देखो माँ आपके सामने ये पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है और पिता का दर्जा जो है स्वर्ग से बड़ा है, इसलिए मुझे ये पदवी नहीं चाहिए, जिन माँ बापों ने मेरे को जन्म दिया और इस योग्य बनाया, तो यानी कुल मिलाकर के श्रेय यही है कि जिसने अपने माता पिता का कहना मान लिया, उनकी सेवा कर ली, तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है सफलता की सीढ़ी चल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। अब तक तो मैंने आपको बताया घर में गणपति जी का कैसे रखें, कैसे उनको बुलाएं। आपको बताती हूँ बहुत सारे लोग बर्थ प्लेस पर भी बुलाते हैं। क्या आपको पता है अगर आप वर्क प्लेस पे गणपति जी को बुलाएंगे तो इससे आपके ऑफिस की एनर्जी अलग हो जाएगी। गणपति जी तो बेस्ट मैनेजर हैं। मैं आपको लगातार उनकी मैनेजरियल स्किल्स, उनकी मंगल मूर्ति के बारे में बताती हूँ। मंगल मूर्ति से ध्यान आया, ये बात तो मैं आपको कल भी बताऊंगी, लेकिन उनको ऑफिस में रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका अपना ऑफिस है, आप वर्क करते हैं, बस सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उनको भोग लगाना पड़ेगा, जैसे हम खाते हैं सच्चे हाथ से, सच्चे तरीके से उनको सच्चे तरीके से भोग लगाना होगा। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि गणपति जी को अकेला नहीं छोड़ा जाता, एक स्मॉल बेबी बच्चे को नहीं अकेला छोड़ते ना हम, ऐसे ही गणपति जी के लिए आपको वहीं पर रात को रुकना पड़ेगा, उन्हीं के साथ सोना पड़ेगा। तो अगर आप ये ऐसे करते हैं, इस तरीके से गणपति जी को रखते हैं, तो ऑफिस में एक अलग एनर्जी आ जाएगी। आप ऑफिस में गणपति जी की छोटी सी फोटो भी रख सकते हैं, अगर आपको मूर्ति रखना मुश्किल है, इससे भी आपके काम बनेंगे। आप ऑफिस में गणपति जी को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, इससे आप लोगों का माइंड रिलैक्स रहेगा, आइडियाज फटाफट फटाफट लोगों में आएंगे। अगर आप गणपति जी को अपने ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप लोगों का काम, आप लोगों के कनेक्शन और स्ट्रांग बनेंगे, लोगों की राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे। बस ध्यान रहे कि गणपति जी साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ गणपति जी को कैसे याद करें, कैसे आरती करें, ये धुन, ये जो अच्छा म्यूजिक आप सुन रहे हैं, ये उसी की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ऑफिस में गणपति रखते हुए भोग का ध्यान देना है, साफ सुथरा भोग आप गणपति जी को लगाएं। शाम के समय आरती करें, आरती कैसे हो आपको सुनाने वाली हूँ। इसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखें, जब गणपति जी को ऑफिस या घर में लाएं तो फ्रूट्स आसपास जरूर रखें, क्योंकि विसर्जन के बाद आप गणपति जी को यही फ्रूट्स आप लोग पूरी फैमिली मिलके खाइएगा और कमाल देखिएगा। इसके साथ साथ लड्डू और चूहा मूषक जरूर हो गणपति जी के साथ, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लड्डू यानी कि रिजल्ट ऑफ लाइफ और चूहा यानी कि कंट्रोल ओवर नेगेटिविटी। अपने ऑफिस में अगर गणपति जी लाने हैं तो ऐसे लाएं। सबसे जरूरी बात, सपोज आप नहीं रख सकते घर में गणपति, पॉसिबल नहीं है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कोई परेशानी है, मान लिया, श्रद्धा से गणपति जी को अपनी राशि के हिसाब से जरा सा कुछ चढ़ा दीजिए और किस्मत बदल जाएगी। सबसे पहले बताती हूँ मेष राशि वाले लोगों के बारे में। आपको गणपति जी को क्या करना है, आपको गणपति जी को गुड़ चढ़ाना है। गुड़ चढ़ाने के साथ साथ वहां पर बैठकर एक माला का जाप करना है। किस चीज का जाप करना है, गंग, इस मंत्र का जाप करना है। और आपका मंदिर जाने का टाइम स्पैन है सुबह 9:30 से 10:15 के बीच, अगर आप उसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोग घी और मिश्री गणपति जी को चढ़ाएं और ग्लम, इस मंत्र का जाप करें, वही बैठ के गणपति जी के आगे करें। और आपका जो विंडो है जाने का वो है 9:45 से 10:10 के बीच में। मिथुन राशि के लोग, अगर आप गणपति जी को रुझाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं,
तो मूंग दाल के लड्डू गणपति जी को चढ़ाएं और साथ में ओम गणेशाय नमः मंत्र को जितना हो सके चैंट करें। आपको मंदिर जाना है शाम को 4:30 से 5:15 बजे के बीच में। इस बीच वैसे तो कभी भी जाएं, मंदिर खुला है, ईश्वर के द्वार का कोई समय थोड़ी ना है। इस समय करते हैं तो आप और ज्यादा पावरफुल इस चीज को कर पाएंगे। कर्क राशि के लोग गणपति जी को सफेद माला पहनाएं, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और आपको जिस मंत्र से गणपति जी को याद करना है वो मंत्र है ओम वरदाय नमः। और देखिए कि आपको कैसे वर मिलते हैं, कैसे वो आपकी किस्मत बदलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि वाले लोगों की। सिंह राशि के लोग गणपति जी को क्या चढ़ाएं? सिंह राशि के लोग गणपति जी को लाल सिंदूर और साथ साथ लाल फल लाल फूल चढ़ाएं। आपको ओम सुमंगलाय नमः कहकर गणपति जी को बुलाना है, याद करना है। कन्या राशि के अगर आप हैं तो आप गणपति जी को 21 दूर्वा के जोड़े चढ़ाएं और ओम वक्र तुंडाय नमः कहकर गणपति जी को बुलाएं और वो आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि वाले लोग गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराएं और 5 नारियल चढ़ाएं, साथ में ओम चिंतामणि नमः कहकर पुकारें और आपकी चिंता। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोग गणपति जी को लाल सिंदूर साथ में लाल कपड़ा चढ़ाएं और लाल फल चढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छा। आपको गणपति जी को क्या कहकर याद करना है? आपको गणपति जी को कहकर याद करना है ओम गणपते नमः। धनु राशि के हैं अगर आप तो आप गणपति जी को कैसे करेंगे? गणपति जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे, पीले कपड़े चलाएंगे और साथ में गणपति जी को आप पुकारेंगे कहकर ओम गूंग नमः। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि वाले लोग पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और लौंग गणपति जी को चढ़ाएंगे। आपको गणपति जी को क्या कहकर पुकारना है? आपको गणपति जी को याद करना है कहकर ओम नमो भगवते गजाननाय। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद मंदिर जाते हैं तो क्या? कुंभ राशि के हैं अगर आप तो आप गणपति जी को मूंग दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। कोशिश करें कि भोग लगाने के बाद गरीबों में बांटें। 6 से 7:30 बजे के बीच में मंदिर जाएं और गणपति जी को क्या कहकर पुकारना है? ओम रोग मुक्ताय फट। आप गणपति जी को एक काम और कर सकते हैं, आप मंत्र को अगर ओम गंग रोग मुक्ताय फट कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा। अब मैं बात करती हूँ मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि वाले लोग गणपति जी को शहद और केसर का भोग लगाएं और गरीबों को मीठा जरूर खिलाएं। आपको मंदिर सुबह 7:30 से 10:15 के बीच में जाना है हर हाल में और गणपति जी को क्या कहकर बुलाएं? ओम अंतरिक्षाय नमः या ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। गणपति जी के रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊंगी। घर पर हम बार बार गणपति जी के तस्वीर फोटो लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो जहाँ पर भी घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी गणपति जी लगाते हैं, एंट्रेंस पर लगाते हैं, जहाँ पर पीठ होगी वहाँ पर नेगेटिविटी होगी। तो गणपति जी के बैक पर गणपति जी का ही एक स्टिकर लगा दें, साइज मैटर नहीं करता, बस एक स्टिकर लगा दें तो उनकी पीठ के साथ उनकी पीठ मिल जाएगी तो समझिए कि आपकी नेगेटिविटी खायब। हमेशा जब भी मैं आपको कहीं पर भी गणपति जी लगाने को बोलूं तो अपने आप समझ जाइएगा कि उनके बैक पर एक स्टिकर जरूर लगाना है ताकि घर के किसी भी कोने में जाए तो उनका चेहरा ही जाए, पीठ ना हो, बैक कहीं पर भी ना हो। गणपति जी को जब घर पर लगाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ग्रीन कलर के गणपति लगाते हैं तो इससे बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है, रुकावटें हैं ये खत्म हो जाएंगी, नेगेटिविटी है लाइफ में खत्म हो जाएगी, रिश्तेदार जलते हैं जलना बंद कर देंगे। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में व्हाइट कलर के गणपति रखते हैं तो जानते हैं क्या होता है? पैसा आने का रास्ता बनता है, पैसे के रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म होते हैं। घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में तो विघ्नहर्ता होनी ही चाहिए ताकि आपको जिंदगी में किसी से भी कभी भी डर ना लगे। हाँ, नीले रंग के या छोटे से पत्थर के गणपति वहां रखते हैं तो कमाल होता है। आपको गणपति जी की आरती बताऊंगी, आपको बताऊंगी ये आरती अगर घर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में लिखकर चिपका भी दें तो गणपति जी 24 घंटे आप पर आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। सुनते हैं ये आरती मिलकर। कैसा
कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकेंगे ये आपको बताऊंगी। याद रखिएगा कल गणेश चतुर्थी स्पेशल है, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। आपको बहुत अच्छी नई डायमेंशन मिलेगी गणपति जी को देखने की। खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं और लगातार मेरे साथ बने रहें। कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। आप ही हमें देखते रहें, अपने सुझाव भेजते रहें, हमें बहुत खुशी होती है। चलिए कल फिर इसी वक्त मिलते हैं। बाय बाय, ठीक है।